चैप्टर चल रहा है हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन का, और मेरी आवाज को क्या हो गया? मेरी आवाज। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज की। तो बगैर बस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और मेरी आवाज नाउ आई एम फीलिंग गुड, अब कुछ बेहतर हो गया हूं मैं। इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब क्या है? इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब यह है कि किसी भी फर्म को मिलने वाला वो फायदा जो उसको अपनी प्रोडक्शन यानी पैदावारियत बढ़ाने के नतीजे में हासिल हो। यह फायदा वो फायदा है जो फर्म को अपनी कोशिशों के नतीजे में हासिल होता है। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाए, पैदावारियत बढ़ जाए, तो भाई सीधा सीधा सरे दस्त फायदा तो ये हासिल होता है कि फर्म की पर यूनिट कॉस्ट यानी फी यूनिट लागत में कमी आ जाती है और सीधा सीधा मुनाफे में इजाफा। इंटरनल इकोनॉमीज की मुख्तलिफ अकसाम है, सो अब हम बात करेंगे बारी बारी उनमें से हर एक की। इंटरनल इकोनॉमीज की सबसे पहली किस्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्निकल इकोनॉमीज। टेक्निकल इकोनॉमीज का मतलब ये कि अगर कोई फर्म अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाती है, अपने डिवाइसेस में इंप्रूवमेंट लाती है, जिसके नतीजे में उसको प्रोडक्टिविटी में अच्छा खासा फायदा होने लगे, सो इसका मतलब होगा ये इंटरनल इकोनॉमीज है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इकोनॉमीज। फर्म की गुडविल यानी साख अच्छी हो तो मालियाती इदारे उन्हें आसान अकसात पर फौरी कर्जा दे देते हैं। सो अगर किसी फर्म की माली हालत बहुत अच्छी ना भी हो लेकिन उसकी गुडविल अच्छी हो, उसकी साख मार्केट में अच्छी हो, सो फाइनेंशियली उसको इदारे सपोर्ट करने को तैयार हो जाते हैं और कम शरह सूद पर कर्जा दे दें। यह फायदा दरअसल आपको फाइनेंशियल इकोनॉमीज की वजह से मिलेगा। अगला फायदा है इकोनॉमीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। फर्म जब बड़ी मिकदार में रॉ मटेरियल खरीदती है, सो उसे डिस्काउंटेड रेट के ऊपर अच्छा खासा माल कम कीमत के ऊपर मिल जाता है और वो अच्छी मिकदार में बड़ी मिकदार में अपनी प्रोडक्शन दे सकती है। और जब वो बेचने जाती है बड़ी मिकदार में यानी बल्क में, सो वो अच्छा खासा मटेरियल फराहम करके एक बड़ी वैरायटी के साथ एक अच्छी खासी तादाद में कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ये इकोनॉमीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कहलाती है। इसके अलावा मजीद काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज भी हैं, मिसाल के तौर पर इकोनॉमीज ऑफ रिसर्च यानी लार्ज फर्म अच्छी मिकदार में प्रोडक्टिविटी से पहले अच्छी खासी तगड़ी रिसर्च करती है और मार्केट में सर्वे करते हैं कि हमें किस किस्म की और किस नौयत की प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर को पेश करनी चाहिए। तो वो अच्छी और तगड़ी रिसर्च की बुनियाद पर एक जेन्युइन प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में पेश करती है जो हाथों हाथ बिक जाती है। इंटरनल इकोनॉमीज की अगली टाइप है इकोनॉमीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट यानी इश्तिहारबाजी की किफायत। कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट मार्केट में देने से पहले अच्छी खासी रिसर्च के बाद जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, जब तक इश्तिहारबाजी नहीं करती, वो कस्टमर तक नहीं पहुंच सकती। अच्छी एडवर्टाइजमेंट के लिए अच्छा बजट चाहिए होता है। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में कंपनी के पास ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि वो तगड़ी अमाउंट लगा के एक अच्छे बजट के साथ एक पुरकशिश इश्तिहार बनाकर मार्केट में कूद पड़ती है और फिर होता ही है कि कस्टमर उनकी तरफ खींचा चला आता है, यूं उनकी सेल बढ़ जाती है और अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका मयसर आ जाता है। और लास्ट है इकोनॉमीज ऑफ बैड डेज यानी मुश्किल दिनों के अंदर सरवाइव करने का हुनर। कोई भी फर्म जिसका अच्छा और तगड़ा फाइनेंशियल बैकअप होगा, अच्छा खासा माल पानी मौजूद होगा, सो वो कंपनी जब भी मुश्किल दिनों में आएगी वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। और अक्सर ऐसा होता है कि अच्छे और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकअप की वजह से कंपनी इस मुश्किलात में अपना आप संभाल लेती है और वो सर्वाइव कर जाती है। ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।